नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। संसद सत्र का आज छठा दिन है और आज सत्र फिर शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामे की स्थिति पैदा कर दी। आज संसद की शुरुआत होते ही विपक्ष ने एजेंसियों के दुरुपयोग मामले में प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं आज नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर राहुल गांधी ने फिर से चर्चा की मांग की। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया था और सदन को स्थगित किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार विपक्ष की मांगों को पूरा किया जा सकेगा या हंगामे की स्थिति बरकरार रहेगी। देखिए ये रिपोर्ट। संसद में आज कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सदन की शुरुआत होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने एजेंसियों के दुरुपयोग मामले में सदन के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी ने भी नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर सदन में फिर से चर्चा की मांग की, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सदन समाप्त होने तक अलग से चर्चा नहीं की जा सकती। दरअसल राहुल गांधी समेत विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में नीट पेपर लीक मुद्दे पर अलग से एक दिवसीय चर्चा की मांग की और इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांगने के बाद सदन से वॉकआउट किया। पहले तो देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा और राजनाथ सिंह ने इसका क्या जवाब दिया। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट हेलो सर, एलओपी टू कंक्लूड सर। नो, कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। इसके अलावा आज फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने माइक बंद करने वाले मुद्दे पर जबरदस्त जवाब दिया। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन के बाहर कुछ सांसदों ने आरोप लगाया कि स्पीकर माइक बंद कर देते हैं। माइक का नियंत्रण चेयर पर बैठने वाले के हाथ में नहीं होता। माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है, अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कहीं माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप बरसों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है, इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार लेके माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में, क्या आपके माइक कंट्रोल है, क्या कंट्रोल है, क्या नहीं है ना, फिर बोला नहीं है।
सुरेश जी ने कह रहा नहीं है कंट्रोल, आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। देखा जाए तो संसद में इस बार विपक्षियों की आवाज काफी बुलंद है। इस बार जहां विपक्षियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में एक तस्वीर तो साफ है कि विपक्ष इस बार इन मुद्दों को आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। संसद में इन मुद्दों पर चर्चा तो होगी ही, मगर कब ये जरूर देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की है और उस मुद्दे को उठाया है जिससे लाखों युवा जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद ग्रहण करके पिछले 10 साल से खाली चले आ रहे उस स्थान को भरा है जिससे संसदीय लोकतंत्र में शेडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल इस पद को कैसे संभाल पाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।